छठ घाट से लौट रहे एक शख्स पर अपराधियों ने गोली चला दी। जानकारी के अनुसार पलामू जिला के रेहला थाना मोड़ से महज 100 मीटर की दूरी पर जिस शख्स को गोली मारी गई वह एक निजी स्कूल का संचालक है। घटना को बीती रात्रि 9 बजे के करीब उस वक्त अंजाम दिया गया जब स्कूल संचालक कोयल नदी छठ घाट से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सामने से सटाकर उन पर 2 गोलियां दागी और फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और एक शख्स को गिरा हुआ पाया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है। गोली लगने से घायल स्कूल संचालक को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। इधर अगले दिन सुबह घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पूरी तरह से गढ़वा रेहला मुख्य पथ को बिलचंपा के पास सड़क को घंटों जाम रखा और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस मामले में रेहला थाना प्रभारी नंदहारी रजक ने बताया है कि स्कूल संचालक अमित सिंह पर गोली चलने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि गोली किसने चलाई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।